आज अंजुमन के चुनाव, अंजुमन यादगार जिसिया शेखजादगान के चुनाव संपन्न हुए और कोई कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से हुए, उसमें कोई दुश्वारी नहीं हुई, कोई किसी से कोई वो नहीं हुआ। मगर अंजुमन के इतिहास में पहली बार है कि किसी सेक्रेटरी ने 1,35,00,000 रुपए अंजुमन के अकाउंट में है। आज की तारीख में 1,35,00,000 के ऊपर अंजुमन के अकाउंट में है, जो ये पहली बार अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान की तारीख में पहली बार है कि कोई कमेटी 1,35,00,000 रुपए छोड़ के जा रही है। अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान का इलेक्शन जो 26 मार्च को पेंडिंग था, आज 9 जनवरी को 22 को कराया गया। लिहाजा जो अमावस की रातें थी 2 साल तक की, वो आज छठी शरीफ की शब को ख़त्म हुई और चांद निकल कर आया, जिसमें 11 लोग ने शिरकत करी और वो कामयाब हुए। हमारा कौम में कहना ये है कि हमारी जो इज्जत वक़ार और जो हमारी प्रतिष्ठा है वो कायम रखेंगे और कौम का नाम ऊंचा करेंगे। लिहाजा हम इसी उम्मीद से, इन सभी से ये उम्मीद करते हैं कि अपने काम के लिए ये खड़े उतरेंगे। मैं हाजी मोहम्मद आरिफ चिश्ती, पूर्व अध्यक्ष अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान। दिनांक 9 जनवरी 2022 को अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान खुद्दाम ख्वाजा साहब के त्रैवार्षिक चुनाव, जो कि मार्च 2020 के अंदर होने थे, वो कोविड-19 की वजह से निश्चित काल के लिए विलंबित किए गए थे। वो विलंबित मतदान आज जो है 9 जनवरी को यादगार गेस्ट हाउस मोहल्ला चौग्राम, जो कि अंजुमन का परिसर है, उसमें कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए संपन्न करवाए गए, जिसमें अमीन साहब एंड पार्टी के पूरे 11 प्रत्याशियों ने क्रमांक 12 से 22 तक विजय प्राप्त किए और ये नई कमेटी का जो है निर्वाचित घोषित की गई है। ये जो नई कमेटी आज गठित हुई है, ये कौम के लिए क्या आगे वो करेगी? कौम के लिए किस कमेटी की सर्वप्रथम वरीयता होगी? जायरीन की सहूलियत का पूरा ध्यान रखना, कौम के हितों की रक्षा करना, खादिम समुदाय के अधिकारियों की रक्षा करना और ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और दरगाह से संबंधित तमाम पक्षों को साथ में लेकर जायरीन की सुविधा और मुकामी लोगों की जो है सहूलियत के मद्देनज़र जो भी इकदाम किए जा सकेंगे, ये कमेटी उस ओर अग्रसर रहेगी। वो आप सबको विदित है, तमाम पूरा का पूरा 3.5 साल का कार्यकाल आपने देखा है कि अंजुमन के विकार की और इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है। हमारा जो अतीत में गौरव था, बुजुर्गों ने जिस मेहनत से इस अंजुमन के अतीत गौरव को प्रतिष्ठित स्थापित किया था, इन 3.5 साल में जितना आघात इन लोगों ने पहुँचाया है अपने ना अहल तरीकों से, ना कामयाबी से, मक्कारी अय्यारी का जो है सहारा लेकर, हम उसको पाटने की कोशिश करेंगे। और कौम में जो फितने फसाद पैदा हुए हैं, इन लोगों ने झूठे मुकदमे करके लोगों को जो है परेशान करके उन लोगों को जो है राहत पहुँचाने की कोशिश करेंगे, वो कौम में फैले हुए इंतजार को समाप्त करेंगे। आपका नाम बताइए। जाहिद उलक चिश्ती, नवनिर्वाचित सदस्य।